इस सवाल में आपको डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी गई है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। आपसे पूछा गया है कि किस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, मतलब मुझे x को मैक्सिमम करना। अब a तो कांस्टेंट है, अगर मैं चाहता हूं कि x मैक्सिमम हो तो मेरे को ये क्वांटिटी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा को मैक्सिमम करना है। मुझे किसको मैक्सिमम करना है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम। साइन के अंदर कुछ भी हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, वन। तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू वन। दिस इंप्लाइज साइन थीटा कब वन होता है, तो साइन के अंदर पाई बाय टू हो जाए, तो ओमेगा टी प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाय टू, विच इंप्लाइज टाइम टी इज इक्वल टू पाई बाय टू ओमेगा माइनस थीटा बाय ओमेगा। आंसर।